हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली बहुत ही इजी सी मिठाई। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप घी। घी के गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं 1/2 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क। ना तो ये ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म, तो इस मिल्क को हम इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। दूध और घी के आपस में मिल जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, इसे आपको इसमें यूज़ करना है इस मिठाई को बनाते समय। और यहाँ पर जब मिल्क पाउडर आप दूध में ऐड करेंगे तब आप इसे बैचेस में डालिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालिए, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब जो ये प्रोसीजर आप करेंगे, ये प्रोसीजर आपको धीमी आंच पर ही करना है। अगर हम तेज़ आंच कर देते हैं, यानी कि इसकी जो फ्लेम है हम अगर हाई कर देते हैं, तो ये मिल्क पाउडर बर्न हो जाएगा, बहुत जल्दी लग जाता है ये तले पर। तो हमें वो सब नहीं करना है, इसे धीमी आंच पर पकने देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये मिश्रण गाढ़ा नहीं हो जाता और मिल्क पाउडर का जो कच्चापन है वो निकल नहीं जाता। हमें इसे अच्छे से पकाना है जिससे कि हमें एक टेस्टी सी मिठाई मिले। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसे अच्छे से पकने देंगे 4-5 मिनट तक। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है, तो इस तरह से हम इसकी जो गुठलियाँ हैं वो तोड़ देंगे अगर इसमें थोड़ी सी भी है। लेकिन हमें इसे अच्छे से पकाना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। अब जब ये गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा होने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसमें शुगर पाउडर, यानी कि शक्कर का पाउडर। शक्कर को मैंने यहाँ पर पीस लिया था और 1/2 कप इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा जो ये टेस्टी सी मिठाई हम बना रहे हैं इसको मिक्स करने में आसानी हो। अगर हम इसमें शक्कर के ग्रेन्यूल्स डालेंगे, यानी कि खड़ी शक्कर यूज़ करेंगे, तो इसे बनने में थोड़ा टाइम जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अगेन फ्लोई होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो शक्कर होती है वो अपना पानी छोड़ती है, इस वजह से ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में जाता है। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए अगेन पकने देना है। इसे आपको चलाते रहना है वरना ये जल सकता है। अच्छे से पकने के बाद अब इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें, इससे इसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर वो मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे कि रोल के फॉर्म में बन पाएगा या नहीं। उसके लिए इसको मैंने अलग से थोड़ा सा कटोरी में ले लिया है ताकि मैं इसे चेक कर सकूं। अब इसे चेक करने के लिए आप इसको हाथ में लेकर देखिए और देखिए कि ये एक शेप में आ रहा है या नहीं। अगर शेप में आ रहा है इट मीन्स कि ये पक चुका है अच्छे से और ये हमें एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी दे देगा मिठाई के लिए। तो अब यहाँ पर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक प्लेट पर आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसके ऊपर जो हमने अभी पेस्ट रेडी किया है मिठाई के लिए वो इसमें डालिए। अपने हाथ पर थोड़ा सा घी लगाइए और इसे लगातार चलाते जाइए, अपने हाथों से मलते जाइए, जिससे कि एक चिकनापन इसमें आ जाए और हम इसे अच्छे से शेप दे पाएँ। इस टाइम पर जो ये पेस्ट है हमारा थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको इसे ठंडा नहीं होने देना है, यानी कि हल्का सा गुनगुना जिससे हम हाथ लगा सकते हैं। अब हम इस डो में से थोड़ा सा लेमन साइज पोर्शन ले लेंगे और इसको आप जैसा भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे रोल कर रही हूँ और इसको एक स्लाइंडी का शेप दे रही हूँ। आपको जैसा भी इसे बनाना है आप बना लीजिए। और इस तरह से हम अपनी मिठाई को रेडी कर लेंगे और इसी तरह से सारे रोल यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। सारी मिठाई रेडी हो चुकी है हमारी, हम इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे गार्निश कर रही हूँ जिससे इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिस्ता कतरन इस पर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के धागे इसमें ऐड करे हैं जिससे इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट स्वीट की शॉप पर जो हमें मिलती है वैसा दिखाई दे और हमें इसे सर्व करने में और खाने में मज़ा आए।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप देखिए कि इस मिठाई का टेक्सचर कैसा है। मैं इसको यहाँ पर तोड़ रही हूँ तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये कट हो रही है। इसको बिल्कुल भी आपको खाने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, यानी ये च्यूई बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आपके मुँह में घुल जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी आपसे मिलूंगी नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।